भारत और श्रीलंका के बीच तीसरे T20 मुकाबला यानी कि द सीरीज डिसाइडर अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने जीत लिया है टॉस और पहले किया है बैटिंग का फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि बैटिंग का फैसला उन्होंने इसलिए किया क्योंकि भारत एक बल्लेबाज शॉट खेल। ऐसे में भारतीय टीम की बात की जाए तो भारतीय टीम काफी जानदार तरीके से एक अलग टीम नजर आ रही है। आपको बता दें कि शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ भारत की तरफ से प्लेइंग 11 में है। 3 नंबर पर खेलेंगे दत्त पाटीकर, 4 नंबर संजू सैमसन, 5 नंबर नीतीश राणा, 6 नंबर भुवनेश्वर कुमार, 7 नंबर संदीप वॉरियर, 8 नंबर चेतन सकारिया, 9 नंबर कुलदीप यादव, 10 नंबर वरुण चक्रवर्ती और 11 नंबर पर खेलते नजर आएंगे राहुल चाहर। संदीप वॉरियर जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनको आज डेब्यू का मौका मिला है। साथ ही आज अगर श्रीलंका की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इसरो उड़ाना इस मुकाबले में नहीं है, पतुम निसंका को इस मुकाबले में उतारा गया है, यानी कि अविष्का फर्नांडो ओपन करेंगे विनोद के साथ, के बाद धनंजय सदीरा, निसंका, शनाका, हसरंगा, चमिका, रमेश मेंडिस, अकेला धनंजया और चमीरा खेलते हुए इस मुकाबले में नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम आज सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी, तो अगर 160, 165 या 170 भारत बोर्ड पर लगाता है तो वो श्रीलंकाई टीम को पूरे तरीके से बैकफुट पर ढकेल सकते हैं। इंतजार है तो अब टीम इंडिया के बेहतरीन प्रदर्शन का। भारत अगर थोड़ा सा अच्छी बैटिंग कर जाता है इस मुकाबले में तो भारतीय टीम यहाँ पर एक अच्छी क्रिकेट खेलती हुई नजर आ सकती है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।